तो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें न्यूटन रिंग्स बताया था, ठीक है? उसी टाइप का एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखो। हाँ हाँ ये इस टाइप से इसके ऊपर ना ये सिलेंडर का रखा हुआ है, सेमी सिलेंडर टाइप। सेमी सिलेंडर और वही क्वेश्चन वही है, ऐसे लाइट कर रही है जो लास्ट टाइम किया था। मतलब ऐसे मान लो जैसे ये है, ये अब समझ में आई फिगर? गुड इवनिंग सर, मतलब फिगर समझ में आई? ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? तो इस केस में फ्रिंजेस किस टाइप की होंगी? और तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम क्वेश्चन ये था ना, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2t इक्वल टू एन लैम्डा मिनिमा के लिए। सेकंड पे कॉल आ रही है, ले लेता हूँ। तो ये तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 2t इक्वल टू एन लैम्डा, ये मिनिमा के लिए था, तुम्हें याद है? और इट इज 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये मैक्सिमा के लिए था। और तुम्हें याद होगा t ये वाली थिकनेस होती थी ना, याद रहा? ये t होता था, क्यों? अब फ्रिंज का मतलब एक तरीके से क्या हो गया कि जो डेल्टा एक्स है या फिर 2t है या फिर t है, ये कांस्टेंट होना चाहिए। बताओ क्लियर है कि नहीं है? पीयूष बता बेटा, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये कांस्टेंट है तो बता किस शेप की होनी चाहिए फिर इस केस में, किस शेप? जैसे वहां पर सर्किल बने थे, अगर तुम्हें याद होगा सर्किल था, सर्किल में थिकनेस कांस्टेंट थी, नहीं यहाँ पे सर्किल में थिकनेस कांस्टेंट थी, यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है बताओ जो है यहाँ पे तुम्हें? हाँ बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे तुम्हें स्ट्रेट लाइन होंगी और वो एक्चुअल में दो स्ट्रेट लाइन होंगी, दो साइड होंगे ना, जैसे ये और ये, क्यों? टीएम जरा विजुलाइज कर बेटा जो है, जैसे ये ऐसे जा रहा है ना, देखिए ये इस टाइप से जा रहा है और ऐसे रखा था, देखिए इसके ऊपर रखा था। तो अब ये बता, जैसे ये वाली थिकनेस है, ये पूरे में ये कांस्टेंट नहीं है, ये बता जो है, ये एक लाइन ये हो गई तो फिर एक लाइन ये हो गई, ये वाली लाइन, क्यों? इस टाइप से हो गया ना, दो स्ट्रेट लाइंस होंगी, तो आंसर जो आएगा वो दो स्ट्रेट लाइंस होगा। जैसे फिगर बनाता हूं ध्यान से देखना, मतलब मैं यहां से देख रहा हूं, देख तो मैं इसका क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, ये बना रहा हूं, देखो तो ये कुछ ऐसे बनेगा, देखो
सबसे बिल्कुल सेंटर पे जो होगा, अगर आप देखोगे यहां पे देखोगे ये वाला, तो इस जगह पे थिकनेस जीरो होगी। क्यों नहीं, बिल्कुल सेंटर पे अगर देखोगे तो थिकनेस जीरो नहीं है कि बेटा बताओ, जो है थिकनेस ऑफ एयर जीरो होगी, ये हुई ना एक तरीके से। मतलब मैं इस जगह पे कह रहा हूं, क्यों ये बताओ, थिकनेस ऑफ एयर जीरो आई कि नहीं आई पीयूष, बता जो है थिकनेस जीरो है। इसका मतलब जो डेल्टा एक्स है, जो टूटी है, वो जीरो हो गया। तो फिर ये मिनिमम बना, क्यों ये बना मिनिमम। अब जितना मैं इधर गया उतनी डिस्टेंस में मान लो ये जाऊं, तो अब देखो इस जगह पे अगर डेल्टा एक्स मतलब टू टी, ये मान लो लैम्डा हो जाए, इसका मतलब जो थिकनेस है वो लैम्डा बाई टू हो जाए, तो फिर ये मिनिमम बन जाएगा। बताओ क्लियर है? समझ में आ गया? ये तो मैंने मिनिमाइज दिखाए, येलो से मैंने मिनिमाइज दिखाए हैं, येलो से ये दिखाए मिनिमाइज। अब व्हाइट से मैक्सिमा दिखा देते हैं। इनके बीच में तुम ऐसे समझो कि जैसे यहां जाओ और उतनी ही डिस्टेंस पे मान लो मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, उतनी डिस्टेंस में यहाँ पे जाता हूँ, इस जगह पे अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू टू टी इक्वल टू लैम्डा बाई टू हो जाए मान लो, इसका मतलब यहाँ पे जो थिकनेस है वो लैम्डा बाई फोर आ जाए मान लो, तो फिर मैक्सिमा हो जाएगा। बताओ क्लियर है? ये तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये जो दो क्वेश्चन हमने किए उसमें डेल्टा एक्स इक्वल टू टू टी था और मैक्सिमाज और मिनिमाज की कंडीशंस इंटरचेंज हो गई थी। और जो अंदर से जब बाहर की तरफ जाते हो, यहां से जब इधर की तरफ जा रहे थे, तो फिर एयर थिकनेस बढ़ रही थी। क्यों? एयर थिकनेस टी बढ़ती जा रही थी, जैसे ये हो गया फिर ये हो गया, एयर थिकनेस टी बढ़ती जा रही थी, तो इसका मतलब मैक्सिमा डेल्टा एक्स वो बढ़ता जा रहा था। क्यों नहीं है, एयर थिकनेस बढ़ती जा रही थी तो डेल्टा एक्स बढ़ता जा रहा था, तो फिर वो मैक्सिमा मिनिमा एंड सो ऑन इस टाइप से चल रहा था। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है तो बताओ बेटा। और एक चीज मैंने और बताई थी कि अगर वो हेमी स्पेयर है, हेमी स्पेयर है, तो कॉन्स्टेंट डेल्टा एक्स या कांस्टेंट टू टी या फिर कांस्टेंट टी, समझे ना, कांस्टेंट टी, वो फिर एक सर्किल में फिक्स रहेगा, समझे ना, एक सर्किल में फिक्स रहेगा, तो इसका मतलब जो फ्रिंजेज होंगे वो सर्कुलर बनेंगे, तभी उनको हमने न्यूटन्स रिंग कहा था। और अगर ये सेमी सिलेंडर है तो फिर कांस्टेंट डेल्टा एक्स या कांस्टेंट टू टी या कांस्टेंट टी दो स्ट्रेट लाइंस में फिक्स रहेंगे, नहीं है, दो स्ट्रेट लाइंस बनेगी उस पर फिक्स रहेंगे, तो इसका मतलब जो फ्रिंजेज होंगी तो वो जो है स्ट्रेट लाइंस बनेंगे। समझ में आया? अब चलते हैं कुछ फाइनल पॉइंट्स और फिर एक दो क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर खत्म। कुछ फाइनल पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात, मान लो दो रेज मीट कर रही है कहीं पे, हाँ, और इनके बीच में मैंने पार्ट डिफरेंस निकाल लिया कुछ, डेल्टा फाइव,
पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स, सॉरी और फिर इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। क्यों ये हो गया? अब सुनो, मैक्सिमा के लिए या तो मैं ये लिख सकता हूं कि डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, या मैं लिख सकता हूं डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें याद होगा जो लैम्डा होता था वो 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है ना। बता जो सी समझ में आ रहा है बेटा? जो है इन दोनों से कोई भी चीज लिख सकता था, आइदर ऑफ वन। क्यों? आइदर ऑफ वन। लेकिन कभी कभी कुछ कंफ्यूजन होता है बेटा, जो है समझ गए ना, तो उसमें से ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, मतलब इन केस ऑफ कंफ्यूजन कह लो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन कहीं पे हो रहा है, अभी बताऊंगा तब समझ में आएगा तुम्हें कंफ्यूजन की स्टेज में। ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है बताओ, कौन सा तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बेटा कंफ्यूजन की स्टेज में? चलो तुम्हें क्या लगेगा, जब मैं बताऊंगा तभी लगेगा तुम्हें, जो है ठीक है। तो एक्चुअल में ना फेज डिफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो है कंफ्यूजन की स्टेज में फेज डिफरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। डिफरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो समझो तुम। जैसे मान लो एयर में तुम्हें वेवलेंथ लैम्डा नॉट दे रखी है, अब ये है इधर मीडियम कुछ और है, यहां पे म्यू वन मीडियम है और इधर मीडियम कुछ और है, यहां पे म्यू टू मीडियम है, और सपोज करो लाइट ऐसे गिरी, ठीक है ना, लाइट ऐसे गिरी और ये थीटा एंगल है, और मैं पी पॉइंट की बात कर रहा हूं जो वाई डिस्टेंस पे है, तो वो ऐसे आया और वो ऐसे आया। ध्यान से देखना, बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है बेटा, जो है इतनी बारीकी तुम्हें कोई और दूसरा टीचर बता नहीं सकता कभी भी, जो है समझ गया ना। हाँ, जितना बारीकी से मैं लेके आ रहा हूँ, जो है तो अब ये बता टीएम इसका पाथ डेल्टा एक्स वन वो डी साइन थीटा इतना ज्यादा है कि नहीं, ये बता बता बेटा, इसका पाथ डेल्टा एक्स वन इक्वल टू डी साइन थीटा ज्यादा है और इस वाली रे का पाथ डेल्टा एक्स टू इक्वल टू वाई डी अपॉन कैपिटल डी ये इतना ज्यादा है बता, समझ में आई बात? तो इसका मतलब पी पॉइंट पे जो नेट पार्ट डिफरेंस हुआ डेल्टा एक्स नेट एट पी वो डेल्टा एक्स वन डिफरेंस डेल्टा एक्स टू हुआ।
बता, समझ में आ गया? डेल्टा एक्स वन डिफरेंस डेल्टा एक्स टू हुआ। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये बता कि इस वाले में जो लेमडा वन है वो लेमडा नॉट अपॉन म्यू वन होगा, और इस वाले में लेमडा टू है वो लेमडा नॉट अपॉन म्यू टू होगा। समझ में आई बात? बता बेटा। समझ में आ गया ना? अब इस नेट पार्ट डिफरेंस को, डेल्टा एक्स नेट, इसको अगर मुझे मैक्सिमम लिखना है तो तेरे पास कंफ्यूजन ये आ जाएगा ना कि तू क्या लिखे इसे, एन लेमडा नॉट लिखे, एन लेमडा वन लिखे या फिर एन लेमडा टू लिखे। अब बता, कंफ्यूजन समझ में आया? क्या कंफ्यूजन है बेटा जो है टीएम? बता बेटा जो है, कंफ्यूजन समझ में आया कि नहीं आया? अगर तेरे को यहाँ पे मैक्सिमा की कंडीशन लिखनी है तो तू एन लैम्डा नॉट लिखे, एन लैम्डा वन लिखे या एन लैम्डा टू लिखे, क्या लिखे जो है, ये हो गया नहीं है। तो बेटर क्या होता है, मैंने बताया तुम्हें कि बेटर ये होता है तुम पार्ट फेज डिफरेंस लिख लो बेटा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बस तुम क्या करो, इसको कन्वर्ट कर लो डेल्टा फाइव वन में। डेल्टा फाइव वन कितना हो गया बता जो है, टू पाई अपॉन लेमडा वन इंटू डेल्टा एक्स वन, और इसको भी फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर लो, डेल्टा फाइव टू इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा टू इंटू डेल्टा एक्स टू। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, रादर पार्ट डिफरेंस के उसको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर लो। क्यों फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर लो? अब ये बताओ कि पी पॉइंट पे नेट फेज डिफरेंस कितना है? अगर आप देखोगे तो एट पी डेल्टा एक्स डेल्टा फाई नेट, वो डेल्टा फाइव वन डिफरेंस डेल्टा फाइव टू हुआ। क्यों? अब तुम्हें अगर इसको मैक्सिमा करना है तो तुम इसको फिर ये लिख दो, बस हो गया, जीरो प्लस माइनस टू पाई प्लस माइनस फोर पाई एंड सो ऑन। समझ में आया या नहीं आया सोहम? बता बेटा जो है सोहम, बता ये समझ में आया कि नहीं आया कि अगर एक ही वेवलेंथ चल रही है सब जगह पे, एक ही वेवलेंथ चल रही है, फिर तो हमारे पास ये हो गया, कह लो ना, फिर तो मैं चाहे ये वाली कंडीशन लिख लूं और मैं या ये वाली कंडीशन लिख लूं, बात एक ही है। अगर पूरे में एक ही वेवलेंथ चल रही है फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होते हैं तो फिर वो वेवलेंथ अलग अलग हो गई, दोनों मीडियम में अलग अलग वेवलेंथ हो गई। तो अब ये होता है कि पार्ट डिफरेंस में हम कौन सी वाली वेवलेंथ यूज करें, नहीं है पार्ट डिफरेंस में थोड़ा ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसका बेस्ट भी क्या होता है, आप उसको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर लो, डेल्टा फाइव वन और डेल्टा फाइव टू ये कह लीजिए, तो उसमें फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। टीएम बता बेटा जो है, बता, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ना? अब दूसरी बात सुनो, उज्जवल बेटा बता, तेरे को इतनी गूढ़ बात कोई बताएगा? तो बता, कोई गूढ़ इतनी बात बताएगा तेरे को, ये बता दे, नहीं बताएगा ना? हाँ, ऐसी हुआ कल जो है, मैं पेट्रोल पंप पे किया तो मैंने ना पेट्रोल वाले से कहा, मैंने पंप वाले से कहा, मैंने कहा यार 1 रुपए का जो है तेल भर दो जो है, ठीक है 1 रुपए का पेट्रोल भर दो जो है। कर अरे साहब इतना जो है पेट्रोल भरा के कहाँ घूमने जा रहे हैं? मैंने कहा अरे यार बस ऐसे ही उड़ाने की आदत है बस, हो गया जो है, समझ गया ना, मैं तो ऐसे ही उड़ाते हैं पैसे जो है। तो अब सुन बेटा जो है, ये दो स्लिट्स हैं,
बेटा उड़ाते समय परवाह नहीं करता मैं, जो समझ गया ना, ये S1 S2 है, ये स्क्रीन है। हाँ सबसे पहली बात, अगर S1 और S2 कोहेरेंट हो, तो फिर स्क्रीन पे इंटेंसिटी वेरिएशन दिखेगा ना आपको, क्यों? बताओ ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जीरो से 4i नोट तक बता। तन्मय बता बेटा जो है कि अगर S1 और S2 कोहेरेंट हो तो फिर स्क्रीन में तुम्हें इंटेंसिटी वेरिएशन दिखेगा, और कहाँ से लेके कहाँ तक? जीरो से लेके 4i नोट तक। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। अगर मान लो मैं एक स्लिट को क्लोज कर दूं, वन स्लिट क्लोज्ड, तो फिर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्यों? ये तब तब कोई इंटरफेरेंस थोड़ी होगा, नहीं है कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसका मतलब उस केस में सारे पॉइंट्स पे, ऑल पॉइंट्स पे, वो केवल एक की वजह से रह जाएगा ना। बताओ उज्जवल, तब कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, फिर सारे पॉइंट्स पे क्या होगा? एक की वजह से रह जाएगा, और वो कितना रह जाएगा बता? I0 रह जाएगा। क्यों? नहीं, केवल एक स्लिट की वजह से होगा, I0 होगा, और वो हर जगह पे एक तरीके से कह सकते हो कांस्टेंट होगा। क्यों? तीसरा, अगर दोनों स्लिट्स इनकोहरेंट हो, तो भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ध्यान रखना। और उस केस में जो हर पॉइंट पे इंटेंसिटी होगी, हाँ हर पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो फिर डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, बस हो गया, मतलब I1 + I2 के इक्वल हो जाएगी। क्यों? नहीं है, हर पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? I1 + I2 के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब 2i0 हो जाएगी। क्यों? कांस्टेंट। जैसे तू ये देखना टीम, मान लो मैं अपने रूम में 10-10 वॉट की दो ट्यूबलाइट जलाता हूं, अब सिंस वो इनकोहरेंट है, इसलिए मुझे रूम पे ऐसा फील होता है जैसे 20 वॉट की ट्यूबलाइट जली है। अगर गलती से वो कोहरेंट रही होती बेटा जो है, तो फिर कमरे में इंटरफेरेंस हो जाता। इसका मतलब कहीं पे लाइट बहुत ज्यादा हो जाती और कहीं पे लाइट बहुत कम हो जाती। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर मैं कमरे में दो 10-10 वॉट की अलग अलग ट्यूबलाइट जला देता, सिंस वो इनकोहरेंट है, इसलिए कमरे में ऐसा लगता है जैसे हर पॉइंट पे 20 वॉट की ट्यूबलाइट जली है। इनकेस मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो वो कोहरेंट रही होती तो फिर इंटरफेरेंस नहीं हो जाता, बताओ जो है उस केस में इंटरफेरेंस हो जाता, और इंटरफेरेंस हो जाता तो क्या होता? कहीं पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती और कहीं पे बहुत कम हो जाती, तो ऐसे कह लो ये प्रॉब्लम। टीएम समझ में आ गया? समझ में आई बात? और एक लास्ट, और अगर मैं एक स्लिट की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा दूं,
मतलब एरिया थोड़ा सा बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा नहीं, एरिया ऑफ वन स्लिट। स्लाइटली इंक्रीज्ड। तो इंटरफेरेंस तो होगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोहेरेंट है, क्योंकि एक ही सोर्स से बने हुए हैं, इंटरफेरेंस तो होगा, लेकिन आई मैक्स भी बढ़ जाएगा। आई मैक्स अब 4 I0 से ज्यादा हो जाएगा और आई मिनिमम भी बढ़ जाएगा, 0 से ज्यादा हो जाएगा। एक बार दोबारा सुन लो, अगर दोनों स्लिट्स कोहरेंट हैं और विड्थ इक्वल है तो फिर स्क्रीन पे तुम्हें 0 से 4 I0 के बीच में इंटेंसिटी वेरिएशन दिखेगा। अगर एक स्लिट को क्लोज कर दोगे तो फिर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, हर जगह पे I0 कह लो। अगर दोनों की दोनों इनकोहरेंट हैं तो भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो फिर हर जगह पे 2 I0 हो जाएगा। और मैंने तुमसे कहा कि अगर एरिया या विड्थ कुछ भी कह लो, एरिया और विड्थ, अगर एक स्लिट का थोड़ा सा बढ़ा दो तो इंटरफेरेंस तो होगा, लेकिन आई मैक्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और आई मिनिमम की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और इसका रीजन देख लो, ऐसा क्यों? ये बताओ कि जो पहले था अर्लियर, जो मैंने इक्वल विड्थ ली थी, जब इक्वल विड्थ जब ली थी तो मैं I1 और I2 को इक्वल मान रहा था ना, I0 मान रहा था कि नहीं मान रहा था बताओ? नहीं, जब पहले इक्वल विड्थ थी तो I1 I2 को मैंने इक्वल माना था I0, तो इसका मतलब जो आई मैक्स आया था वो आ गया था √I1 प्लस √I2, इसका होल स्क्वायर जो 4 I0 आ गया था, और आई मिनिमम की वैल्यू √I1 माइनस √I2, इसका होल स्क्वायर, और ये 0 हो गया था। बताओ कोई डाउट? पहले यही तो कहानी होती थी कि दोनों की इक्वल की बात ये थी बेटा जी। अब क्या हुआ? अब मैंने एक की विड्थ तो एज इट इज रख दी, I1 को I0 लिख दिया, लेकिन जो I2 होगा जिसकी विड्थ मैंने थोड़ा सा बढ़ा दी है तो वो वहां पर ज्यादा इंटेंसिटी देगा कि नहीं देगा बता जो है? वो उस जगह पे ज्यादा इंटेंसिटी देगा ना बेटा जो है? तो इसका मतलब वो हो जाएगा I2 इक्वल टू n टाइम्स I0 कह दो, यहाँ पे जो n होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। कोई डाउट? ये बता बेटा जो है, जिसकी विड्थ तुमने बढ़ा दी है तो वो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिटी देगा, क्यों? उस जगह पे ज्यादा इंटेंसिटी देगा, तो ये हो गया। अब जरा चेक करना, इसकी वैल्यू पुट करके देखना, यहाँ पे जो आई मैक्स होगा वो जरा देखना ग्रेटर देन 4 I0 आ रहा होगा। अब चेक करो जरा इसी फॉर्मूले से, और आई मिनिमम जरा देखो, आई मिनिमम ग्रेटर देन 0 आ रहा, जरा देखना इनके साथ में, इन वैल्यूज के साथ में, इन वैल्यूज के साथ में जरा देखना ये ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ जो है। ये हो गया। तो फाइनली एक बार वो कर दे रहा हूं, अगर दोनों स्लिट्स की विड्थ इक्वल है और कोहेरेंट है तो स्क्रीन पे 0 से 4 I0 का वेरिएशन मिलेगा। एक स्लिट को क्लोज कर दोगे तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, हर जगह पर I0 मिलेगा। अगर दोनों स्लिट इनकोहेरेंट है तो भी कोई इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा और हर जगह पे 2 I0 मिलेगा। और अगर एक स्लिट की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो
तो फिर आई मैक्स की वैल्यू 4i0 से ज्यादा हो जाएगी और आई मिनिमम की वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट के कुछ फाइनल एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद ये चैप्टर्स खत्म। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। हाँ सुनो बेटा सुनो, पहला तुम्हें ना S1 S2 वो 2 लैम्डा दे रखा है और S2 के परपेंडिकुलर, S2 से फ्रॉम S2 एक लाइन ड्रॉ की है, S2 से एक लाइन ड्रॉ की है जो परपेंडिकुलर टू S1 S2 है। तो इस लाइन पे, ऑन दिस लाइन, तुमसे डी मिनिमम फ्रॉम S2 पूछता है वेयर यू गेट मिनिमम। क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लो पहले। S1 S2 2 लैम्डा दिया हुआ है, S2 से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो S1 S2 के परपेंडिकुलर है। इस लाइन पे तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम S2 निकालनी है जहां पे तुम्हें मिनिमम मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया पहले बताओ। S1 S2 2 लैम्डा, S2 से एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर टू S1 S2 और इस लाइन पे तुम्हें S2 से मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है जहां पे तुम्हें मिनिमम मिले। तो सुनो, जैसे ये है, ये वाली लाइन है, क्यों इस लाइन की बात कर रहा हूं, और ये 2 लैम्डा है। अब इस पॉइंट पे तुम्हें ये कह रहा है, ये वाली डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस निकालनी है। मिनिमा, तो ये डी निकालना है तुम्हें, सो दैट यहां पे डार्क फ्रिंज बने। क्वेश्चन बताओ, क्लियर है ना? टीएम बता बेटा, जो है क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं बता। जो है S1 S2 के तूने परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की है ना, S1 S2 के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और तुझे S2 से मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है सो दैट कि वहां पे तेरे को डार्क फ्रिंज मिले। जो है अब मुझे बस एक बात बताओ कि एट पॉइंट पी अगर मैं पार्ट डिफरेंस लिखूंगा तो डी साइन थीटा लिखना चाहिए, डी कॉस थीटा लिखना चाहिए या फिर वाई डी अपॉन डी लिखना चाहिए? एक काम करता हूं, इसको स्मॉल डी नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें, वाई लिख देता हूं। बताओ मुझे P पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस के लिए D साइन थीटा लिखना चाहिए, D कॉस थीटा लिखना चाहिए या वाई डी अपॉन डी लिखना चाहिए? क्या सही लग रहा है? इस फिगर को देख के बताओ क्या सही लग रहा है तुम्हें, कौन सा एक्सप्रेशन इस पे फिट बैठेगा?
उज्जवल बता बेटा, जो कौन सा इक्वेशन इस पे तेरे को लग रहा है कि फिट बैठेगा बता बता, कौन सी इक्वेशन तेरे को लग रहा है कि फिट बैठेगी इस पे? अरे बेटा इससे कोई भी इक्वेशन सही नहीं होगी, ऑल रॉन्ग। रीजन क्या है कि इसके लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि स्मॉल डी वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी होना चाहिए, मतलब स्क्रीन बहुत फार होना चाहिए। अब समझ में आया कि नहीं आया? सोहम, स्क्रीन वहां पे बहुत दूर होता था बेटा जो है, याद कर। मैं ऐसा नहीं करता था डी वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, या फिर एक जो बड़ा सर्किल होता था उसकी जो रेडियस होती थी, बड़े सर्किल की जो रेडियस होती थी वो वेरी वेरी ग्रेटर देन दी, कुछ इस टाइप से लिखता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? जो है ऐसे लिखता था, तब होता था बेटा जो है। यहाँ तो स्क्रीन बिल्कुल मुंह सामने रखा हुआ है, ये है, तो यहाँ पे प्रॉपर ज्योमेट्री लगेगी बेटा जो है। डेल्टा एक्स के लिए ज्योमेट्री अप्लाई करूंगा, ये। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इतना तो पक्का है कि जो डेल्टा एक्स होगा वो 2 लैम्डा होगा, बता ये पक्का है कि नहीं है? बता, इतना तो पक्का है ना कि डेल्टा एक्स क्या होगा इस पॉइंट पे? डेल्टा एक्स 2 लैम्डा होगा ना, क्योंकि एक रे तो सीधी सी बात है यहीं पे है, दूसरी रे यहां से 2 लैम्डा ट्रेवल करके आ रही है। बताओ इस पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस होगा वो 2 लैम्डा होगा, नहीं है? और अगर मैं बिल्कुल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाऊं, मान लो ये बताओ, अगर मैं बिल्कुल इसमें इनफाइनाइट पे चला जाऊं बेटा जी, ये बताओ बिल्कुल ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाऊं, तो फिर जो पार्ट डिफरेंस होगा वो टेंडिंग टू 0 होगा। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? टीएम बता बेटा जो है कि अगर मैं बिल्कुल ही इनफाइनाइट पे चला जाऊं तो पार्ट डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? तो 0 होगा। तो इसका मतलब जो पार्ट डिफरेंस होगा वो किस किस के बीच में वेरी करेगा बता जो है? ये पार्ट डिफरेंस वेरी करेगा बिटवीन 0 एंड 2 लैम्डा, उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? इनके बीच में ही कहीं पे पार्ट डिफरेंस रहेगा इस लाइन में अगर देखोगे तो। ऑब्वियस ही बात है, अगर यहां पे 2 लैम्डा है और मुझे मिनिमम डिस्टेंस पे यहां पे मिनिमा चाहिए, तो मेरा यहां पे जो डेल्टा एक्स होना चाहिए बेटा जो है, यहां पे जो डेल्टा एक्स होना चाहिए वो 1.5 लैम्डा होना चाहिए। बताओ क्लियर है या नहीं है? बताओ 2 लैम्डा के सबसे नजदीक, 2 लैम्डा के सबसे नजदीक बता कि क्या होना चाहिए, बता पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा? बता जो है 1.5 लैम्डा होना चाहिए। तो अब मैं क्लियर पिक्चर बना दे रहा हूँ, सुन लो। देखो ये S1 है, ये S2 है, यहां पे पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा, फिर इधर कहीं 1.5 लैम्डा होगा, फिर इधर कहीं लैम्डा होगा, इधर कहीं 0.5 लैम्डा होगा, और इधर फिर इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? टीएम जरा बता बेटा जो है, 2 लैम्डा के नजदीक 1.5 लैम्डा, फिर लैम्डा, फिर 0.5 लैम्डा, और ये जो 0 आएगा ये तो इन्फिनिटी पे आ जाएगा। क्यों? एट इन्फिनिटी के। अब मुझसे ये वाला पॉइंट पूछा था, बस हो गया। मुझसे पूछा कौन सा था बता जो है, सेंटर के सबसे नजदीक मिनिमम पूछा था, ये पूछा था मुझसे।
अब देख, ये मान ले वाई है, ये 2 लैम्डा है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस, ज्योमेट्री लगाए पूरा प्रॉपर बेटा जो है, अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो बनेगा कि नहीं बनेगा बता जो है, अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये बता, ये पी पॉइंट है, हाँ, S1P माइनस S2P, इसको 1.5 लैम्डा बनना चाहिए, क्यों ये बनना चाहिए। अब S1P हो गया अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा मैं इसको भी ना इधर ले जा लेता हूँ तो मैथ थोड़ा इजी हो जाएगी। तो इक्वल टू S2P है y प्लस 1.5 लैम्डा, कोई डाउट? सोम बता बेटा जो है, कोई डाउट? अब इसको स्क्वायर कर दे, बस हो गया, इसको स्क्वायर कर दे तो ये बन गया 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2.25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 वाई लैम्डा। एक्चुअल में ये वाई स्क्वायर ना कैंसिल हो गया, तो यहां से तुम वाई निकाल लेना। सो ये आंसर था। तो इस पूरे सिनेरियो से तुमने क्या सीखा बेटा जो है, इस पूरे सिनेरियो से तुमने ये देखा कि कुछ केसेस में जो पार्ट डिफरेंस होता है, नहीं है, कुछ केसेस में पार्ट डिफरेंस के लिए वो फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे जो हमने पहले पढ़े थे जो है, हमें प्रॉपर ज्योमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी, समझे ना, बिल्कुल ज्योमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी, ये हमने सीखा जो है। और वो चीज मत भूलना कि यहाँ पे अगर 2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है तो इसके नजदीक फिर 1.5 लैम्डा मिलेगा, फिर लैम्डा मिलेगा, फिर 0.5 लैम्डा मिलेगा, और जब बहुत दूर चले जाओगे तो फिर पार्ट डिफरेंस तुम्हें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपके ना 3 स्लिट्स का दिया हुआ है, एक दो तीन, ये हो गया, और यहाँ पे पी नॉट है, और इसको इन्होंने सी बी और ए दिया हुआ है, और साथ में ये तो है ही है, ये डी और ये डी और ये कैपिटल डी, तीनों की तीनों कोहेरेंट तो है ही है, ध्यान रखना। अगर कोहेरेंट नहीं होंगी तो फिर इंटरफेरेंस का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों नहीं है, अगर तीनों की तीनों कोहेरेंट नहीं होंगी तो इंटरफेरेंस का मतलब ही नहीं है, फिर तो तुम हर जगह पे आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 वो सब लगा दो, बस ये कह लो, ये हो गया। अब तुम्हें ये दिया हुआ कि डी वेरी वेरी लेस देन लेमडा, एक तो ये दिया हुआ है, और बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट, ये लैम्डा बाई 3 दिया हुआ है, एक तो तुमने प्रूव करना है, कि स्मॉल डी अंडर रूट 2 लैम्डा डी अपॉन 3, एक तो ये प्रूव करना है बी पार्ट। अगर आई ए आई बी और आई सी वो सब इक्वल हैं एट पी नॉट,
और वो लेट आई नॉट है। तो तुम्हें आई नेट निकालनी है एट पी नॉट। बताओ ये समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया क्वेश्चन देख लो अच्छी तरीके से। बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट लैम्डा बाई थ्री दिया था, कैपिटल डी वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा दिया था, एक में तो तुम्हें स्मॉल डी को ये प्रूव करना है, और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि पी नॉट पे इंडिविजुअली मान लो आई नॉट दे रही है तो वहां पे नेट इंटेंसिटी कितनी होगी ये फाइंड करना है। क्वेश्चन देख लो पहले अच्छी तरीके से, कोई डाउट है तो क्वेश्चन में बता दो बेटा, जो है क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बता दो, नहीं है ना? अब सुनो, आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने के मूड में नहीं हूँ असल में, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ आराम आराम से। देख बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट वो लैम्डा बाई थ्री दिया हुआ है, बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट वो दे रखा है लैम्डा बाई थ्री। अब ये बताओ बी पी नॉट अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, देखो जरा देखो जर बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट, तो बी पी नॉट यहां पे कितना है रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ए पी नॉट कितना है माइनस डी इक्वल टू लैम्डा बाई थ्री। अब फिर से वही कहानी करते हैं, इसको इधर ले जाके स्क्वायर करूंगा मैं, इसको इधर ले जाके स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई नाइन प्लस टू डी लैम्डा बाई थ्री। समझ में आ गया? बताओ ये बात समझ में आ गई? अब सिंपल है, हो गया क्या? ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये बताओ लैम्डा बहुत छोटा था तो लैम्डा स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो इसको नेगलेक्ट कर दूं? लैम्डा बहुत छोटा था तो लैम्डा स्क्वायर तो और भी छोटा होगा तो इसको नेगलेक्ट कर दो। तो यहां से जरा देखना डी की जो वैल्यू आ गई वो अंडर रूट ऑफ 2d lambda upon 3 आ गई कि नहीं आ गई बताओ, ये हो गया। ये देखो समझ में आ गया? अब क्या है देखो, यहां पे तीन रेज पहुंच रही है ना, एक रे ये, एक रे ये और एक रे ये, इन दोनों के बीच में तुम्हें डेल्टा एक्स ऑलरेडी लैम्डा बाई थ्री दिया हुआ है। देखो जरा देख टीएम, इन दोनों के बीच में देख तेरे को ऑलरेडी लैम्डा बाई थ्री का एक पार्ट डिफरेंस दे रखा है, और लैम्डा बाई थ्री का जो पार्ट डिफरेंस होता है वो एक्चुअल में 120 डिग्री के फेज डिफरेंस के इक्वल होता है। बता बता, वो 120 डिग्री के फेज डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। बता होता है कि नहीं होता बता, जो है 120 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया। अब तुम्हें करना क्या है वो मैं बता देता हूं तुम्हें, उसको तुम करोगे। तुम्हें ना इसके और इसके बीच में भी पार्ट डिफरेंस निकालना होगा, मतलब तुम्हें सी पी नॉट माइनस ए पी नॉट ये भी निकालना होगा, और तुम ये देखना ये 4 लैम्डा बाई 3 आएगा, चेक करके देखोगे ये तुम्हारा होम असाइनमेंट होगा, ये 4 लैम्डा बाई 3 होगा, और लैम्डा बाई 3 तुमने देखा था 120 डिग्री है, तो 4 लैम्डा बाई 3 480 डिग्री होगा। क्यों?
समझ में आया बेटा, ये बताओ जो है ये अल्टीमेटली कितना हो गया बताओ, 480 डिग्री हो गया। और तुम जानते हो कि किसी भी एंगल में 360 ऐड कर दो या 360 माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये एंगल भी एक्चुअल में देखेगा तो 120 डिग्री ही हुआ। नहीं बताओ ये एंगल भी एक्चुअल में क्या होगा, तो 120 डिग्री ही होगा। तो अब ये बताओ कि ये 1 है मान लो, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 और 2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री है। क्यों ये बताओ कि फेज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 ये तो 120 डिग्री था, और फेज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3 ये 480 डिग्री था, जो एक्चुअल में 120 डिग्री ही होगा। और तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या बोला था बेटा जो है, मैंने तुमसे बोला था पहले एम्पलीट्यूड वेक्टर मेथड से ऐड होते हैं। क्यों नहीं है, पहले एम्पलीट्यूड वेक्टर मेथड से ऐड होते हैं, फिर आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर से तुम इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो। क्यों, इसका मतलब अगर मैं यहां को A1 ले लूं जो A0 है, तो फिर ये हो जाएगा A2, ये भी A0 हो जाएगा, और इधर ही को A3 भी आ जाएगा, ये भी A0 हो जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया बेटा बताओ। एक तो 120 डिग्री हो गया, और एक 480 डिग्री हो गया। टीएम बता बेटा जो है, ये बता समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। अब सिंपल सी बात है, देखो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके और वो बता देता हूँ। ये A0 और ये A0 कह लो जो 120 डिग्री पे हैं, वो A0 ही रहेंगे। बताओ बताओ, ये A0 और ये A0 A0 ही रहेंगे जो 120 डिग्री पे थे, और इसके बीच में ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। लास्ट में अब ये वाला A0 और ये वाला A0 जो 60 डिग्री पे है, ये √3 A0 आ जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है, टीएम बता बेटा जो है। A0 और A0 अगर 60 डिग्री पे लगे हो तो कितना हो जाएगा, 3 A0 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब जो I की वैल्यू होगी जो प्रोपोर्शनल टू A² होती थी, वो 3 I0 हो जाएगी। ये होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। 1 और 2 के बीच में ऑलरेडी तुम्हें λ/3 का पार्ट डिफरेंस दिया था जो 120 डिग्री था, 1 और 3 के बीच में तुम्हें निकालना है जो 4λ/3 आएगा, जो 480 डिग्री आएगा, और वो भी 120 डिग्री हुआ। उसके बाद सिंपल सी बात है कि तुम्हें वेक्टर एडिशन करना है, लेकिन एम्पलीट्यूड का मतलब एक तरीके से ये हो गया, इधर को A0 आ गया और इधर को 2A0 आ गया देखा जाए तो। क्यों, 2A0 आ गया और ये 120 डिग्री हो गया, तो यहां से जो नेट आया वो इसके इक्वल होगा। ये कह सोहम बता बेटा, कोई डाउट है वो, कोई डाउट है तो बता बेटा, नहीं ना। अब चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट के बाद तुम जानते हो मेरे से लास्ट आता है कुछ इस चैप्टर का, फिर चलेगा लास्ट चैप्टर।
अब सुनो बेटा जी, यहां से लाइट गिर रही है, अब तुम्हें ना इस स्क्रीन पे आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकालना है। इफ पहला पार्ट है जैसे जेड इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन टू डी, दूसरा पार्ट लैम्डा डी अपॉन डी है, और तीसरा पार्ट लैम्डा डी अपॉन फोर डी है। अब टीएम जरा ध्यान से देखना बेटा जी, ये पॉइंट इसका और इसका सेंटर पॉइंट है ना, ये बताइए ये पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट है कि नहीं है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये आई नॉट दे रहा था और ये आई नॉट दे रहा था, लेकिन इस वाली स्क्रीन की बात कर रहा हूं बेटा, ये वाली स्क्रीन की, तो यहां पे तुम्हें फोर आई नॉट मिल जाएगा। बता बता क्लियर है कि नहीं बता जो है, अगर वो आई नॉट और वो आई नॉट दे रहा था तो यहाँ पे फोर आई नॉट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये चल के इस स्क्रीन के लिए, ये चल के इस स्क्रीन के लिए एक तरीके से आई वन बन गया, समझ में आया बताओ, ये इसके लिए क्या बन गया बताओ बेटा जो है, ये आई वन बन गया। अब सुनो, पहले पार्ट में जो जेड की वैल्यू है, पहले पार्ट में देख जेड की वैल्यू वो ओमेगा बाई टू दिख रही होगी तेरे को, बता ये बता, पहले पार्ट में तो तेरे को जेड की वैल्यू दिख रही है वो ओमेगा बाई टू दिख रही है कि नहीं दिख रही है बता जो है पहले पार्ट में बेटा जो है। तो इसका मतलब यहां पे आई मिनिमम मिलेगा तेरे को ओमेगा बाई टू पे, मतलब जीरो मिलेगी, बता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बता जो यहां पे अगर ये ओमेगा बाई टू डिस्टेंस हो, ये बता ये अगर ओमेगा बाई टू डिस्टेंस हो तो तेरे को वहां पे न्यू इंटेंसिटी आई नॉट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से मिनिमम मिलने का मतलब इसको तुमने क्लोज कर दिया, क्यों इसको तुमने क्लोज कर दिया बताओ, क्लियर है नहीं है, इसको तुमने कर दिया क्लोज बेटा जो है, ठीक। तो जब तुमने इसको क्लोज कर दिया तो इस वाले स्क्रीन पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, नो इंटरफेरेंस, और हर जगह पे इंटेंसिटी सेम रहेगी, क्यों आई सेम रहेगी। तो जब आई सेम रहेगी, क्यों आई सेम रहेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा जो है, जो रेशियो तुमसे पूछा हुआ वो 1:1 होगा, टीएम जरा बता समझ में आया कि नहीं आया। ये वाला पॉइंट तो 4i0 है, क्यों ये तो तुम्हारे लिए 4i0 है, लेकिन पहले पार्ट के लिए ये मिनिमम हो गया, क्यों ये मिनिमम हो गया मतलब जीरो हो गया। तो इसका मतलब एक तरीके से तुमने क्या कर दिया मतलब जो है, ये स्लिट को क्लोज कर दिया, क्यों इस स्लिट को क्लोज कर दिया, तो तुम्हें अगले वाले स्क्रीन पे फिर कोई इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, हर जगह पे सेम इंटेंसिटी मिलेगी, तो रेशियो 1:1 आ जाएगा। अब दूसरे वाले पर चलते हैं, देख ये था, ये तो 4i0 ही है अभी भी, लेकिन अब के जो z की वैल्यू दे रखी है देख,
वो लैम्डा डी अपॉन डी दे रखी है, मतलब ये ओमेगा के इक्वल दिया हुआ है। नहीं, लैम्डा डी अपॉन डी मतलब ओमेगा के इक्वल दिया हुआ है, तो ये दे रखा है ओमेगा, इसका मतलब ये फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? तो ये 4i0 होगा। बताओ कोई डाउट? टीएम जरा बता बेटा, जो है अगर वो उस डिस्टेंस पे, तो अब वो भी 4i0 हो जाएगा, नहीं है? अब ये बता कि ये भी 4i0 और ये भी 4i0, ये मतलब ऐसे हो गया ना, अभी ये वाले स्क्रीन पे बेटा जो है। तो एक तरीके से तुम कह सकते हो कि यहाँ पे जो आई मैक्स होगा वो फिर 4 टाइम्स 4i0, ऐसे कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो, मतलब 16i0 होगा। क्यों? और आई की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी, नहीं होता आई की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब जो रेशियो उन्होंने पूछा हुआ है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, तो ये बताओ वो रेशियो इनफाइनाइट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बता जाएगा। उज्जवल बता बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि एक्चुअल में ना वो तीनों पार्ट्स में इस जेड को चेंज कर रहा है बेटा, ये बता, इस वाले जेड को चेंज कर रहा है जो है, ये है गैलेक्सी, इस जेड को चेंज कर रहा है। अब चलते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में जरा देखो, ये ओमेगा बाई 4 है बेटा, नहीं होता, ये ओमेगा बाई 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देख सी पार्ट में यहां पे तो तुम्हें 4i0 ही मिली, लेकिन यहां पे तुम्हें एक बार मैंने कभी बताया था, तुम्हें याद होगा कि ये ओमेगा बाई 4 पे 2i0 आती है, याद आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ? ओमेगा बाई 4 पर 2i0 आती है, क्योंकि वही लैम्डा बाई 4, 90 डिग्री, √2a0, 2a0, ये हो गया। तो एक तरीके से ये i1 हो गया और ये i2 आ गया। क्यों? ये i1, ये i2। तो अब जरा बताओ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम हो जाएगा √i1 प्लस √i2 अपॉन √i1 माइनस √i2 इसका होल स्क्वायर। टीएम समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, ये बता, ये समझ में आया बेटा क्या था जो है? कि एक तो फिक्स था, नहीं है, एक तो फिक्स था बेटा जो है, बाकी फिर दूसरे को चेंज कर। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूं तो और मजा आएगा, देखते हैं। भी बेटा कहेगा क्या पाला पला था, देख तेरे को याद है ये ऐसे बनता था, ये था देख, और इधर फिर एक दूसरा स्क्रीन था ना, इधर दूसरा स्क्रीन था बेटा जो है, ये था। अब तो याद कर, यहां से यहां पे एक सीट सीट कट की, तो ये तो पक्का है 4i0 है, ये तो पक्का है। बाकी दूसरी स्लिट्स वो अलग अलग काट रहा है जो है, जैसे पहले पार्ट में देखो वो यहां पे कट की है उसने, पहले पार्ट में ये है, ए पार्ट में, बी पार्ट में उसने यहां पे स्लिट कट की है, और सी पार्ट में उसने यहां पे स्लिट कट की है। इसका मतलब ये 0 इंटेंसिटी है, ये 4i0 की इंटेंसिटी है, और ये 2i0 की इंटेंसिटी है, और इधर तो खैर 4i0 है ही है। अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ जो है?
ये है। तो पहले पार्ट में तुम्हें ये और ये लेना था, तब यहां पे इंटरफेरेंस देखना था। दूसरे पार्ट में तुम्हें ये और ये लेना था, तब तुम्हें इंटरफेरेंस देखना था यहाँ पे। और लास्ट पार्ट में तुम्हें ये और ये लेना था, नहीं है ये लेना था, और तब तुम्हें इंटरफेरेंस देखना था यहाँ पे। क्लियर है सोहम? क्वेश्चन बता बेटा जो है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि नहीं बता जो है? क्या था कि सेंटर वाला तो फिक्स था, सेंटर वाला फिक्स था, बाकी जो स्लिट्स थी वो अलग अलग जगह पे कट की थी, बस ये। एक और एग्जाम्पल है, उसके बाद चैप्टर खत्म, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। क्यों चलती है पवन, क्यों महके है पवन, ये हमारा एक दोस्त है ना, वो बेसुरा गाता है बेटा जो है, तो मजा आता है जो है। हाँ, तो उसके बेसुरे गाने में भी बड़ा मजा आता है मुझे। चलती है पवन, ये सेंटर लाइन है दोनों की। कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, देखो ये तुम्हें जेड दिया हुआ है, और तुम्हें यहां पे पूछा है बस हर बार। हाँ, अब सुनो, सबसे पहला जेड तुम्हें दिया हुआ है डी लैम्डा बाई डी, मतलब ओमेगा। तो टीएम एक बात बता, ये जो वाई है वो जेड बाई टू है ना, ये होता वाई की वैल्यू जेड बाई टू है कि नहीं होता जो है? जेड बाई टू है, इसका मतलब ओमेगा बाई टू है। क्यों? इसका मतलब पहले पार्ट में तुम्हें यहां और यहां दोनों जगह पे जीरो इंटेंसिटी मिलेगी, बता, यहां और यहां जीरो इंटेंसिटी मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहां भी तुम्हें क्या मिलेगी बताओ जो है? यहां पे तुम्हें जीरो इंटेंसिटी मिलेगी। कोई डाउट? पहला पार्ट मैंने येलो से किया है, समझ में आ रहा बताओ जो है? जेड की वैल्यू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी दे रखी है, मतलब ओमेगा दे रखी है, तो वाई की वैल्यू जेड बाई टू हो गई, तो ओमेगा बाई टू हो गई, तो वहां पर जीरो इंटेंसिटी हो गई एक तरीके से, ये कह। अब दूसरे पार्ट में क्या है सुनो, दूसरे को ब्लू से ले लेता हूं, कंसेप्ट समझ लेना बस। दूसरे पार्ट में तुम्हें जेड जो दिया हुआ है वो टू डी लैम्डा अपॉन डी दे रखा है, इसका मतलब टू ओमेगा दिया हुआ है, नहीं है टू ओमेगा दिया हुआ है। अब वाई की जो वैल्यू है वो जेड बाई टू है, इसका मतलब ओमेगा है, तो फिर तुम्हें यहां भी फोर आई नॉट मिली एक तरीके से, और यहां भी फोर आई नॉट मिली। कोई डाउट टीएम? जरा बता बेटा, कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक, तो इसका मतलब यहां पे फिर कितने टाइम्स हो जाएगी, तो यहां पे आ जाएगी फोर टाइम्स फोर आई नॉट। क्यों? यहां पे ये हो जाएगी बस, फोर टाइम्स फोर आई नॉट, इसका मतलब सिक्सटीन आई नॉट हो जाएगी। क्यों? हेलो, ये समझ में आया उज्जवल? ये बताओ वहां पे फिर कितनी हो जाएगी बेटा जो है? यहां पे सिक्सटीन आई नॉट हो जाएगी, बस ये कह लो। इस टाइप से कुछ चल रहा है जो है, मतलब लास्ट की जो हमने दो क्वेश्चंस किए ना, वो सुनो क्या है, लास्ट के हमने जो दो क्वेश्चंस किए वो इस पे बेस्ड थे कि जैसे ये है, ये पहला स्क्रीन है,
इस पे इंटेंसिटी 0 से लेके 4I0 तक वेरी करेगी। फिर ये दूसरा स्क्रीन है, समझ में आया बेटा? ये बता जो है, ये पहला स्क्रीन है जिसपे इंटेंसिटी 0 से लेके 4I0 तक वेरी करेगी। फिर ये दूसरा स्क्रीन है, अब इस पे मुझे देखना था कि क्या हो रहा है, ये कह लो। तो वो डिपेंड करेगा कि जो पहला स्क्रीन था, नहीं है, ये सब डिपेंड करेगा कि पहले स्क्रीन पे तुमने स्लिट्स कहां पे कट किए। आपने यहां कट किए हैं या आपने यहां स्लिट कट किए हैं, एंड सो ऑन। जो है कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले स्क्रीन पे तुम्हें जो इंटेंसिटी मिलेगी वो 0 से लेके 4I0 तक मिलेगी, क्यों? उसके बाद दूसरे स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि पहले स्क्रीन पे तुम्हें स्लिट्स कहां पे कट किए, नहीं है, पहले स्क्रीन पे कहां पे स्लिट्स कट किए उस पे डिपेंड करेगी। सो हम बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रॉब्लम्स किस पे बेस्ड है कि दो स्क्रीन्स की प्रॉब्लम थी, जो है दो स्क्रीन की प्रॉब्लम थी, ध्यान रखना। पहले पे 0 से 4I0, फिर दूसरे पे डिपेंड करेगा कि आपने स्लिट्स कहां पे कट किए। इनको तुम देख लेना अच्छी तरीके से, जो प्रॉब्लम्स करवाई है उनको देख लेना। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट टर्न पे करेंगे अब मॉडर्न फिजिक्स, इस बार नहीं करते। चलो फिर, ओके, बाय एंड थैंक यू, बाय बेटा।